माध्यम से कि एक थाना रेवसा क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव में एक चोरी हुई थी, जिसमें उस खबर को प्रकाशित किया गया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़ी प्रमुखता से, और जिसमें हम वो पीड़ित हमारे सामने, हम बात करते हैं कि पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की बताएं। पुलिस आई थी मौके पे, मौके से जांच की और फिर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हाँ। ये घटना कब, चोरी कब हुई थी, किस दिन हुई थी, चोर कैसे घर में प्रवेश किया? चोर घर के पीछे से दीवार से कुर्सी लगा करके छत पे आए, छत से जीना, जीना से नीचे उतरा है, फिर कमरा का ताला वाला दूर करके। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 1.5-2 लाख रुपए की चोरी हुई है। नकदी कितना था? नकदी 3500 रुपये था। 3500 रुपये था। अच्छा, फिर घटना की जानकारी कब हुई थी आपको? घटना की जानकारी सुबह हुई थी, वही 5 बजे। अच्छा, फिर ये कई तारीख की घटना है, चोरी हुई थी? 20 तारीख की चोरी। 20 कौन महीना? 30 फरवरी। सन कौन था? 2020। अच्छा, 20 फरवरी सन 2020, दिन कौन था? दिन था सुबह शुक्रवार था, गुरुवार की रात। हाँ, गुरुवार की रात। अच्छा सर, लगभग 1.5-2 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने मौके, आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ जी। पुलिस पहुंची थी? हाँ, पुलिस पहुंची थी। जांच पड़ताल किया। फिर उसमें कुछ आगे कार्रवाई, मुकदमा वगैरह? हाँ, लिख लिया है, मुकदमा रख लिया। इसके लिए पुलिस को आप क्या कहेंगे? पुलिस को हम बड़ी बहुत अच्छा कहेंगे। अच्छा, पुलिस ने आपका सहयोग किया? हाँ, पुलिस हमारी सहयोग की। अच्छा, हमारी कि चोरों को जरूर पकड़ा जाए, चोरी खुले। हाँ, चोरी खुल जाए। कौन सा गांव है आपका? रसूलपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम बाबू अवस्थी। अच्छा, आपके पिताजी का? रजनीश अवस्थी। एप्लीकेशन किसके नाम से दी थी? पहले तो मम्मी के नाम से दी थी, हम दिमाग लिखा गया तो हमारे नाम से लिखा गया। अच्छा, आपने दिया है? अच्छा, हमारी कि चोरों को जरूर पकड़ा जाए, चोरी खुले। हाँ, चोरी खुल जाए। कौन सा गाँव है आपका? रसूलपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम बाबू अवस्थी। अच्छा, आपके पिताजी का? रजनीश अवस्थी। एप्लीकेशन किसके नाम से दी थी? पहले तो मम्मी के नाम से दी थी, हम दिमाग लिखा गया तो हमारे नाम से लिखा गया। अच्छा, आपने दिया है? प्रार्थना पत्र।